इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा फ्रेंड्स कि अगर आप अपने व्हाट्सएप के चैट्स का बैकअप नहीं ले पा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और टेक माय वे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कई सारे लोगों की प्रॉब्लम आ रही थी कि वो अपने चैट्स का बैकअप नहीं बना पा रहे थे, नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण वो अपने चैट्स को रिकवर नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि बैकअप बनाने से क्या होता है कि जो भी हम किसी से चैट करते हैं, किसी से वीडियो फोटोज लेते हैं, उसका बैकअप एक बना रहता है, और उसके बाद जब हम बैकअप को रिकवर कर लेते हैं तो हमारे पिछले जितने भी चैट्स हुए थे, जितने भी फोटोज वीडियो शेयर हुए थे, वो सब वापस आ जाते हैं। तो बैकअप बनाना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, थ्री डॉट्स में यहाँ पे क्लिक करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम आ क्या रही। यहाँ से जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद जाएंगे यहाँ से चैट्स में। चैट्स में जाने के बाद चैट बैकअप में हम जाएंगे। चैट बैकअप में जाने के बाद जब हम बैकअप में क्लिक करते हैं तो ऐसा कुछ लिख के आता है और हमारा बैकअप नहीं बन पाता है। तो हमको क्या करना है, पीछे आ जाना है, और पीछे आ जाने के बाद फिर हमको यहाँ से जाना है अपने फ़ोन की सेटिंग्स में। सेटिंग्स ओपन हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, आएंगे यहाँ पे मैनेज ऐप्स वाले सेक्शन में सेटिंग्स के। तो मैनेज ऐप्स में आ जाइए। मैनेज ऐप्स में आ जाने के बाद यहाँ पे आपको व्हाट्सअप को ढूंढना है। तो व्हाट्सअप को मैं यहाँ पर ढूंढ लेता हूँ। तो ये रहा मेरा व्हाट्सअप। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें प्रेस करके इसको ओपन करना है। व्हाट्सअप ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऐप परमिशंस का, तो इसको क्लिक करिए। उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा कि WhatsApp ऐप परमिशन में सिर्फ दो ही परमिशन ऑन है, कैमरा और कॉन्टैक्ट्स के। मेरे आपके हो सकते हैं सभी ऑफ हो, तो आपको सारे परमिशन को ऑन कर देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे परमिशन को मैंने ऑन कर दिया। उसके बाद हम पीछे आ जाते हैं और फिर से करते हैं WhatsApp को ओपन। WhatsApp ओपन करने के बाद फिर से हम थ्री डॉट्स में यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फिर से जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद फिर से जाएंगे हम चैट्स में। चैट्स में जाने के बाद फिर से हम चैट बैकअप में जाएंगे, और इस बार हम बैकअप में क्लिक कर देते हैं। तो बैकअप में क्लिक कर देने के बाद इस बार क्या होगा कि हमारा बैकअप लेना शुरू कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो बैकअप है वो अब लेना शुरू हो गया है, जो कि 200 के बीच का है। आपका हो सकता है ज़्यादा कम हो, आपके व्हाट्सएप यूजर्स के मुताबिक आपको यहाँ पे बैकअप लेना शुरू कर जाएगा। तो हमारे चैट का बैकअप बन चुका है। अब क्या होगा कि जब भी हम व्हाट्सएप में फिर से लॉग इन करेंगे, दूसरे किसी मोबाइल में ओपन करेंगे अपना व्हाट्सएप, नंबर डाल के OTP वेरीफाई करके, या फिर इसी मोबाइल में फिर से करेंगे, तो बैकअप के कारण आपका जो जितना भी मैसेज चैट होगा वो वापस से वहीं पे आ जाएगा जिस पोजीशन में था, और जिस तरीके से आप जिससे चैट कर रहे थे, जो जो चैट हो रहा था, जो जो फोटोज वीडियोज आपने भेजी थी, वो वापस आपके पास आ जाएगी। तो ये था सॉल्यूशन बैकअप करने का अपने व्हाट्सएप अकाउंट्स को। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और वीडियो आपके काम की होगी। अगर ये वीडियो आपके काम की हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भेजो व्हाट्सएप ग्रुप में। ऐसी वीडियो मैं लाते रहता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो लाओ तो आपको पता चल जाए। फिलहाल के थे फ्रेंड्स, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।